देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। बिजनौर में बीज विक्रेता ने अपनी कई मांगों को लेकर आज शहनाई बैंकेट हॉल से पूरे शहर में जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान व्यापारी संगठन भी बीज विक्रेताओं के साथ व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। बीज विक्रेताओं और व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए कृषि विभाग पर गंभीर आरोप लगाया। बीज विक्रेताओं ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है। विक्रेताओं ने यह भी कहा कि कृषि विभाग द्वारा समस्त विक्रेताओं को उचित सम्मान एवं सभी शिष्टाचार व्यवहार करना चाहिए। बिना लाइसेंस के गांव-गांव जाकर किसानों को बीज बेचने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कृषि विभाग द्वारा सरकारी दुकानों पर मिलने वाले बीज की सब्सिडी पर हमें जबरन सब्सिडी के तहत बीज बेचने पर मजबूर किए जाने को बंद किया जाना चाहिए। विभाग द्वारा बीज विक्रेताओं को डराना और धमकाना तुरंत बंद किया जाना चाहिए। मुझे मुनीश तिहाई कहते हैं, मैं महामंत्री हूँ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एसोसिएशन का, और मैं महामंत्री हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं महामंत्री हूँ व्यापार मंडल का। आज जिस तरह से पूरे ज़िले के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर खाद और बीज और दवाई का व्यापार करने वाला व्यापारी जितना दुखी है, उसका शोषण करने पर तुले हैं सारे अधिकारी, उसके खिलाफ आज बिजनौर से ये मसाल जलाई जा रही है। और आज हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से जल्लूस के रूप में शास्त्री चौक होते हुए, डाकखाना होते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और हम अपनी ताकत का एहसास कराएंगे। हमने चाबी साथ ली है, अगर अधिकारी नहीं मानते शोषण करने से तो हम लोग दुकानें हमेशा के लिए बंद कर देंगे और इस देश की सरकार को ये दिखाएंगे कि कटोरा लेकर भीख मांगेंगे पढ़े लिखे लोग। आज जिस तरह से एक मुझे शेर याद आता है इस हुकूमत के ऊपर, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखो फूल सी औलाद को, हुकूमत में बे औलाद बैठे हैं, इन्हें क्या दर्द पता होगी। बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।